तो नाउ वी हैव सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, तो इसमें हमें निकालना क्या है, ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, सो डिस्टेंस ए बी जो होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा ए इंटू टी टी टू का स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए इंटू टी वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन। सो ये आ जाएगा टू इंटू ए इंटू टी टू माइनस टू इंटू ए इंटू टी वन का स्क्वायर। ठीक है, देखो ये है, इसे हम लिख सकते हैं। ओके, इसमें से ए कॉमन ले सकते हैं हम। ठीक है, ए स्क्वायर है, ए कॉमन लेंगे तो अपने पास आ जाएगा ए स्क्वायर और ब्रैकेट में टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इसमें से टू ए कॉमन लेंगे तो टू ए कॉमन लेने के बाद ये बाहर आ जाएगा फोर ए स्क्वायर। ठीक है, एंड इंटू टी टू माइनस टी वन का स्क्वायर। देखो इसमें हम ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाएंगे। सो ये होती है अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, सो ये अपने पास आ जाएगा ए स्क्वायर एंड इसे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। सो ये आ जाएगा टी टू माइनस टी वन। ठीक है, इसका स्क्वायर इंटू टी वन टी टू प्लस टी वन का स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस फोर ए स्क्वायर। ठीक है, एंड टी टू माइनस टी वन का स्क्वायर। अब देखो हम ए स्क्वायर और टी टू माइनस टी वन का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं दोनों में से। ठीक है, सो कॉमन लेने के बाद अपने पास इसके अंदर आएगा ए स्क्वायर एंड टी टू माइनस टी वन का स्क्वायर। ये हमने कॉमन ले लिया है, कॉमन लेने के बाद जो बचेगा वो है टी टू प्लस टी वन का स्क्वायर एंड प्लस फोर। ठीक है, यही बचेगा। सो देखो इस पे जो अंडर रूट आएगा वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सो ये बाहर आ जाएगा अंडर रूट से। ठीक है, सो ये आ जाएगा ए इंटू टी टू माइनस टी वन इंटू अंडर रूट टी टी टू प्लस टी वन का स्क्वायर एंड प्लस फोर। सो दिस इज द आंसर।